नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 13 है और यह 4th ऑफ अगस्त 2021 के लिए है। तो निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, पढ़ते हैं और इसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। और गद्यांश होता क्या है? तो गद्यांश वो होता है डियर स्टूडेंट, जिसको हमें जिसका आंसर हमें पता नहीं होता, उस पैसेज गिवन है और इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसी में से हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेक की जाती है, जो हम इस पैसेज को कितना समझ पाए, ठीक है। और इसके बिहाव पे क्वेश्चन दी जाती है और उसको हमें जो है ना आंसर करने होते हैं, ठीक है। तो मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक बड़ी सी ही मोहक प्रवृत्ति है, हास्य विनोद। हास्य विनोद जिंदगी केवल कर आहों का सिलसिला, आहों का जलजला, दर्द की दास्तां बनकर रह जाएगा। यानी हास्य विलोम क्या है डियर स्टूडेंट, जो जिंदगी की जो है ना कराह है, यानी जो है ना दुखों का जो सिलसिला, आहों का जलजला, दर्द की दास्तां बनकर रह जाएगा, यदि उसमें हास्य विनोद ना हो, यानी उसमें हास्य विनोद ना हो तो ऐसा बनकर रह जाएगा। हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि है, यानी कई दुख हो जाए आपके अंदर, आप मजाकिया हो जाए, आपको हास्य विनोद हो जाए, आप खुश हो जाए, ठीक है, तो आप क्या होते हैं, वो सारे दुखें मिट जाती है। स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है, जिन चिंताओं के पुलिंदे को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है, यानी कुछ ही समय के लिए, लेकिन आप खुश हो जाते हैं, आप उस तमाम सारी जो है ना दर्द दास्ता जलजला दुख को आप भूल जाते हैं, जब आप हास्य विनोद के जो है ना क्या करते हैं प्रवृत्ति में आते हैं। तो कविता केवल हृदय का उदागर है, किंतु विनोद रोम रोम का उदागर है। यानी कविता केवल हृदय का है, लेकिन विनोद जो है ना क्या रोम रोम, यानी हमारे हर एक तन का जो है ना, हर एक शरीर के अंग अंग का जो है ना क्या है उद्गार करता है। विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है, जिससे शरीर और मस्तिष्क में कोई नई शक्ति मिलती है, यानी विनोद ऊर्जा है और थकी तनी सिराओं में मरकज की सी उष्मा आ जाती है। और गांधी जी ने कहा है कि यदि मुझे में विनोद का भाव न होता तो मैं बहुत पहले ही आत्महत्या कर लिया होता। बिल्कुल सही, अगर गांधी जी ने कहा, अगर मुझे विनोद का भाव नहीं होता, यानी कि मुझ में शरीर और मस्तिष्क की शक्ति नहीं मिलती, यानी मुझे एक प्रकार का ऊर्जा नहीं मिलता, तो मैं पहले ही क्या करता, आत्महत्या कर लिया होता, ठीक है। यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसना मुख बनो, यानी दुख में भी सुख की प्रवृत्ति चाहते हो तो हंसमुख बने, वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे विधाता ने से हास्य और विनोद का बहुमूल्य प्रदान मिला है। फोटोग्राफर फोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं, किंतु विधाता फोटोग्राफर चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराएं, जिसे मुख पर हास्य की दुख दुग्ध धवल चांदनी छिटकनी चाहिए। उसे क्या का अधिकार है कि वह अपनी स्वाभाविक प्रकृति को अवसाद की काली रेखाओं से अमावस की काली रजनी का बना डाले। चलिए डियर स्टूडेंट, इसमें बहुत ही आसान से प्रश्न है, जो 5 प्रश्न है, इसे सभी का एक एक करके आंसर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवन में हास्य विनोद परमावश्यक क्यों है? क्योंकि जीवन में हास्य विनोद परमावश्यक इसलिए है क्योंकि बिना हास्य के विनोद जीवन निरर्थक है, नकारात्मक है, दुख भरा हो जाएगा, जिसे जीना बहुत कठिन बन जाएगा, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहा है। थर्ड है, हास्य विनोद में कौन सा समास है? तो हास्य विनोद में द्वंद समास है, हास्य और विनोद, तो इसमें द्वंद समास है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, हास्य हमें किस से मुक्ति प्रदान करता है? तो हास्य हमें सभी दुखों से मुक्ति प्रदान करता है तथा हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करता है, राइट। अब हम इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट इसको देखेंगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। चलिए डियर स्टूडेंट, तो उष्मा का सही अर्थ क्या है? उष्मा का सही अर्थ है, उष्मा का अर्थ है ताप या गर्मी, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लाख दुखों की औषधि किसे कहा गया है? तो लाख दुखों की औषधि हास्य विनोद को कहा गया, क्योंकि हंसने व खुश रहने से मनुष्य स्वयं को तरोताजा तथा ऊर्जावान महसूस करता है। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए बाय।